ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां खुले में पड़े मृत गौवंश की दुर्दशा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगे बात होगी भदोही की, जहां शराब ठेकेदार ने औराई थाने में दी आबकारी विभाग के खिलाफ तहरीर। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां भगवानपुर में निजी क्लिनिक में वृद्ध की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से, जहां खुले में मृत पड़े गौवंश की दुर्दशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद भी जिम्मेदारों ने मृत गौवंशों को नहीं कराया दफन। एक ही गांव में दो जगह पड़े दो मृत गौवंशों को कुत्तों ने नोचा। पूर्व में भी मृत गायों की दुर्दशा के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पूरा मामला सहसवान तहसील क्षेत्र के गाँव आतर का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। खबर भदोही की ज्ञानपुर से, जहां भांग के ठेकेदार विजय प्रकाश तिवारी पुत्र हर्ष कुमार तिवारी निवासी थाना क्षेत्र ज्ञानपुर जनपद भदोही के मूल निवासी ने थाना औराई में आबकारी विभाग के कुछ तथाकथित पुलिस कर्मियों के खिलाफ लूटपाट करने की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी को सौंपे गए पत्र के माध्यम से कहा कि मैं औराई एवं पुलिस चौकी क्षेत्र खमरिया में सरकारी भांग की दुकान का संचालन करता हूं। आरोप लगाया है कि ज्ञानपुर के जिला आबकारी विभाग के कुछ सिपाही, जिनके नाम पवन मिश्रा, संजय तिवारी और भाई लाल सरोज, दुकान पर अक्सर आते रहते हैं और दुकान पर बिक्री के लिए बैठे हमारे कर्मचारियों को धौंस दिखाकर और खुद को औराई का सर्किल इंस्पेक्टर बताकर सेल्समैन को मारते पीटते हैं और भद्दी गालियां देते हैं, तथा औराई दुकान से 10,000 रुपये तथा खमरिया दुकान से 2,000 रुपये भांग बिक्री के जबरन गल्ले में निकाल कर ले जाकर चले जाए हैं। और भुक्तभोगी अनुज्ञापी विजय कुमार तिवारी ने मामले को लेकर थाना औराई में जाकर दुकान से लूटपाट करने वाले उक्त आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। आरोप लगाया है कि थाने पर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। जी बताएं। मेरा नाम विजय प्रकाश तिवारी है। अच्छा। मेरा मकान जो है ज्ञानपुर है। मैं खमरिया और औराई की भांग की दुकान का संचालन करता हूँ। जी हाँ। आए दिन आबकारी विभाग के पवन मिश्रा, भाईलाल सरोज, एक गिरी करके हैं उसमें, और संजय तिवारी जी जी हमारी दुकानों पे आते हैं, ज़बरदस्ती आदमियों को मारते पीटते गाली देते हैं। इसके पहले भी ये लोग एक बार आए थे हमारी औराई की दुकान से 10,000 रुपये ले कर गए थे, खमरिया की दुकान से 2,000 लेके गए थे। हमने इसकी तहरीर औराई थाने पर भी दी है, जिला आबकारी आबकारी के अधिकारी के पास भी शिकायत की है। वापस आज ये लोग फिर हमारी दुकान पे पहुँचे और आदमी को ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं, पैसा भी ले गए हैं दुकान से, उसको मारे पीटे भी हैं। और हमने औराई थाने में तहरीर दी है, लेकिन दो बार तीन बार हो गया। मैंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। और ये लोग औराई खमरिया अगल बगल जितनी भी चाय पान की दुकान है वहाँ पे ज़बरदस्ती भांग बिकवा रहे हैं, वहाँ से पैसा ले रहे हैं, और कोई भी अधिकारी इसमें कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है मामले की जाँच करके उचित कार्रवाई करें। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। कैमूर जिले की आराध्या पॉली क्लिनिक भगवानपुर के निजी क्लिनिक में एक वृद्ध की मृत्यु हो गई, जहां परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बताया गया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी शिवमूरत मल्ला के 60 वर्षीय पुत्र ललन मल्ला, बताया जाता है परिजनों द्वारा निजी क्लिनिक के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज सही से नहीं किया गया, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत हुई उसके बाद परिजनों और वहां स्थानीय लोगों द्वारा काफी जमकर हंगामा किया गया। लोगों ने कहा कि चिकित्सक के द्वारा इलाज सही से नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर भभुआ SDPO शिवशंकर कुमार पहुंचे, जहां इस मामले को लेकर क्लिनिक की जांच कर रहे हैं। उसके बाद भगवानपुर पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। वही नहीं कर डॉक्टर के नहीं रेफर की हाँ वही में जब कहाँ इलाज होता लाइन का भगवानपुर कहाँ भर लाइन का के कहते कि पेट में दर्द भी था खाली। अच्छा तो कहाँ इलाज करा तो मिल जा नौबतपुर का डॉक्टर हूँ। अच्छा भगवानपुर में इलाज भगवानपुर में जी। तब कहाँ भैया फिर नहीं जब कल नहीं रेफर की हाँ तो जबरदस्ती कल लड़का का मौत हो गया। मौत हो गया उनको जी जबरदस्ती करते नहीं रेफर करते नहीं इलाज के दौरान मौत हो गया। हाँ तो पोस्टमार्टम करे ले जा जी। का नाम रहा आपके बेटा के? ललन। उनके पिताजी का नाम? शिवमूरत।
घर कहाँ लौंग भगवानपुर थाना भगवानपुर का लगा था आपकी के? आपके का लगा था उनको हत्या कर दिला डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर के का लगे हैं का हमने तो ना ना कैसे आखिर उनकर मौत कैसे भइल हो? डॉक्टर के चलते सुई का तो दे दिल हाँ और पनिया में तब गाज लगल है तो अभी भी अच्छा सुई में को पानी दे दिल हाँ और पनिया में सुई और गाज लगल तुरंत भी के अच्छा ऐसे मौत हो गई मौत हो गई अच्छा के बानी आप उनकर के कर मृतक के बानी बाबू का नाम बाप के सी मुरा घर कहाँ बा भगवानपुर थाना भगवानपुर कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सफल एवं सुचारू चुनाव संपन्न कराने के निमित्त MIT मुजफ्फरपुर परिसर स्थित डिस्पैच केंद्र पर पोलिंग पार्टी एवं पुलिस पदाधिकारी का संयुक्त ब्रीफिंग जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मियों द्वारा ज्वाइन कर पुलिस पार्टी से मिलान किया गया, आई कार्ड लिया गया तथा कॉमन मतदान सामग्री प्राप्त कर अपने संबद्ध वाहन से समन्वय स्थापित किया गया ताकि कल 24 मई को डिस्पैच का कार्य सुगम एवं सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। 24 मई को पोलिंग पार्टी पुलिस पार्टी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित काउंटर से EVM VVPAT लेकर अपने संबद्ध वाहन से सुरक्षित रूप में मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज जो है पुलिस ऑफिसर्स और पीठासीन पदाधिकारियों की टैगिंग थी जो 100% कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों के जितने भी मतदान भवन हैं केंद्र हैं सब पे आर्म्ड फोर्स लगाई जा रही है और पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं 25 तारीख के चुनाव को लेकर। 7 लेयर में सिक्योरिटी की हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की रसिंग पार्टी भी है, थाना स्तर पर QRTs भी हैं जो लगातार मतदान के दिन वहाँ बूथ पर भ्रमणशील रहेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग का रिस्पांस टाइम 10 मिनट का रहेगा। हम लोग 10 मिनट के अंदर जो भी एडिशनल फोर्सेज होंगे वो लोग भेज देंगे और आप सभी के माध्यम से हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख को जो भी मतदाता है वो अपने घरों से निकलें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पार्टी मिलान जो होता है जो पुलिस ऑफिसर पोलिंग पार्टी से मिलती है वो भी अंतिम चरण में है। 80-85% से ज़्यादा पार्टियों का मैचिंग भी हो गया है और सब लोगों ने जो एक पैकेट सामान्य पैकेट होता है वो भी रिसीव कर लिया है और जो लॉकबुक वगैरह गाड़ियों का देना होता है वो भी आज हम लोग दे रहे हैं और इसके बाद कल जो है सारी पोलिंग पार्टी पुलिस अपनी टीम के साथ पुलिस ऑफिसर के साथ जो काउंटर्स हमारे बने हुए हैं EVM डिस्पैच के वहाँ सारी टीम्स आएंगी, EVM प्राप्त करेंगी और वाहनों के माध्यम से बूथ की ओर प्रस्थान करेगी। तो सब कुछ प्लान्ड तरीके से बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है और परसों चुनाव होना है। हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरह से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो कुल 6 विधानसभा सेगमेंट है आपने देखा होगा कि विधि व्यवस्था की स्थिति और जो डिप्लॉयमेंट और हम लोगों की तैयारी थी इतनी प्लान्ड तरीके से सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने किया था कि कहीं भी किसी तरह की छोटी शिकायत भी नहीं आई। कुछ जो सामान्य तरह की शिकायतें थी कंट्रोल रूम में आई उनका भी हम लोगों ने त्वरित निपटान किया। उसी तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पर्याप्त संख्या में है, दूसरे जिला से बल भी मिला है, होमगार्ड के भी जवान हैं, जोनल और सुपर जोनल हम लोग मजिस्ट्रेट्स भी लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। आप लोगों से के माध्यम से मतदाताओं से भी हम लोगों की अपील है कि बढ़ चढ़ करके आप अपने घर से बाहर निकले। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दिनारा इलाके में अनियंत्रित बाइक की टक्कर से 3 माह के मासूम की मौत हो गई जबकि उसकी मां का इलाज जारी है। घटना दिनारा की बताई गई है। मृतक मासूम दिनारा थाना क्षेत्र के खलसापुर के दीपक कुमार का 3 माह का पुत्र श्याम बताया गया जबकि दीपक की घायल पत्नी रीता देवी का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना के संबंध में दिनारा थाने के चौकीदार ने बताया कि सड़क पार करते समय अनियंत्रित बाइक की टक्कर से माँ बेटे घायल हो गए।
गंभीर हालत में दोनों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 माह के मासूम शाम की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्यवाही जारी रखी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आरोपित बाइक सवार पर पीड़ित के रिश्तेदार का आरोप है कि केस उठाने की धमकी दे रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में चौकीदार दिनारा और रिश्तेदार का क्या कुछ कहना है। 3 माह का बच्चा है, 3 माह का बच्चा है, उसी का पोस्टमार्टम आज कराया है, यहाँ पोस्टमार्टम भी हुआ है। उसके बाद थाना में केस किए हम लोग हुआ, अभी तक केस तो FIR नहीं गया है। इसी में जो पार्टी है, जो धाका मारा है, वो तरह तरह का बात बोल रहा है कि सुलह कर लीजिए, नहीं कीजिएगा, ये होगा, धमकी दे रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमको सरकार संविधान में क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश है या कहीं कहीं पीछे से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले से तो देखिए उसका चरित्र जो है, प्रवृत्ति जो है, अपराधी तबका का है, पहले ही से उसका इस तरह ऐसी चल रहा है। ऐसा क्या लगा कि महिला को बाइक से थी? बाइक से ना, महिला पैदल थी। पैदल थी, बच्चा गोद में था। और ये पूरब से जा रही थी, पश्चिम तरफ है, और पश्चिम से आ रहा था पूरब तरफ, इसी बीच में धाका मार दिया। इसी बात को लेकर पहले से विवाद था क्या? पहले से कोई विवाद नहीं था, है ना? लेकिन उसका प्रवृत्ति जो है अपराधी तबका का है। कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहचान कर रहे होंगे फिर आप? ना, पहचान तो है ही, उसे भिड़िए के जब है तो। किस गांव का मामला है? मामला है जो धाका लगा है वो खालसापुर का है। कौन थाना? दिनारा थाना। घटना कहाँ पर हुआ है? खालसापुर में। और वो आदमी है पंडितपुरा का, मात्र कम से कम 500-1000 गज का दूरी पर दोनों गांव एक ही जरिए है ना। मासूम बच्चा है। क्या नाम है उनका? श्याम कुमार। बचवा 3 माह का, तो उसका श्याम कुमार नाम है। पिता का नाम है दीपक कुमार। जो घायल है। रोहतास बिहार से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।